पवन पाकिस्तान में पैदा होके काराकाट से चुनाव लड़ने आ गया हूं। मैं भी बिहार का बेटा हूं और काराकाट की जनता पवन को बेटा एक्सेप्ट कर लिया है। लोकसभा चुनाव के बीच चर्चा तेज है बिहार की काराकाट सीट की। पवन सिंह जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, उन्होंने भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इसी सीट से चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। आपको याद होगा कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन पवन सिंह का ये जो फैसला था कि उनको ये सीट रास नहीं आ रही थी, तो उन्होंने वहां से चुनाव ना लड़ने का फैसला लिया था। इसके बाद अब पवन सिंह चुनाव तो लड़ रहे हैं लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, और उन्होंने बिहार की काराकाट सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। अब सवाल यह भी है कि पवन सिंह का चुनाव लड़ने का फैसले के बाद एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक करियर में क्या सेंधमारी हो सकती है, काराकाट सीट पर क्या समीकरण है, इन सभी सवालों के जवाब को समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर आप हमें देख रहे हैं तो जरूर हमारे पेज को फॉलो कर लें। मेरा नाम है सैयद सौबान, आप देख रहे हैं स्विच। काराकाट लोकसभा सीट साल 2008 में परिसीमन के बाद बनी है। बिहार की काराकाट सीट पर साल 2024 लोकसभा चुनाव में टक्कर अच्छी देखने को मिल सकती है। एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा तो इंडिया ब्लॉक के राजा राम सिंह के बीच पहले टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन अब पवन सिंह के निर्दलीय उम्मीदवारी के बाद, यहां पर उनके नॉमिनेशन फाइल करने के बाद, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन चुनावों में इसका नुकसान उपेंद्र कुशवाहा को भुगतना पड़ सकता है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी RLM। एनडीए की तरफ से बिहार की काराकाट सीट उपेंद्र कुशवाहा के पास आई। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन यहां पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि 2019 में उपेंद्र कुशवाहा इस सीट से हार भी चुके हैं। 2019 में कुशवाहा महागठबंधन उम्मीदवार के रूप में उतरे थे लेकिन वो चुनाव हार गए थे। अब इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारी की बात करें तो ये सीट CPI ML के हिस्से में आई है और राजा राम सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पिछले तीन चुनाव वो इस सीट से हार चुके हैं। अब पवन सिंह की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं उनके बीच में वो काफ़ी पॉपुलर हैं। अगड़ी जाति के ज़्यादातर लोगों का भी समर्थन पवन सिंह को मिलता दिख रहा है और उनके भोजपुरी गानों ने यहाँ के युवाओं को काफ़ी अट्रैक्ट किया हुआ है। पवन सिंह वैसे तो बीजेपी के साथ लगभग पिछले एक दशक से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। ऐसे में 2019 में उन्होंने पश्चिम बंगाल की हावड़ा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला था। फिर 2024 में बीजेपी ने उनको टिकट तो ज़रूर दिया लेकिन पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से। फिर विवादों के बाद पवन सिंह ने यह फैसला लिया कि वो आसनसोल लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब समर्थकों के कहने पर पवन सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में काराकाट सीट जो कि बिहार में पड़ती है वहां से चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। चुनावी समीकरण की बात करें तो काराकाट सीट पर यादव वोटरों का दबदबा माना जाता है। यादवों के अलावा यहां पर कुशवाहा, कुर्मी, राजपूत और वैश्य वोटरों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। अब ऐसे में एक तरफ इंडिया ब्लॉक और एनडीए के दोनों जो उम्मीदवार हैं कुशवाहा समुदाय से ही आते हैं, यहाँ भी वोट बढ़ सकते हैं, तो वहीं अगड़ा वर्ग और युवाओं के वोट पवन सिंह की तरफ जा सकते हैं। ऐसे में काराकाट सीट से चुनावी मैदान में मामला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। हालांकि हर एक उम्मीदवार जीत का दावा ठोक रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार बिहार की 40 सीटों में एनडीए की सीटों के बंटवारे में बीजेपी को 17, जेडीयू को 16, एलजेपी रामविलास को 5, तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक एक सीट मिली है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा काराकाट सीट से मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन वोट वो पीएम मोदी के कामों पर मांग रहे हैं। मोदी जी आए हैं, मोदी जी की हवा तो पहले ही से चल रही, जहाँ जा रहे हैं मोदी जी वहाँ वह हवा लहर के रूप में परिवर्तित हो जा रही है। तो चौतरफा मोदी जी की हवा है, हवा ही हवा है, लहर है, इसलिए आ रहे हैं तो और अच्छा है, उनका स्वागत है। उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक सफर काफी रोचक रहा है, लेकिन अब सवाल ये भी आता है कि अगर कुशवाहा इस बार चुनाव हार जाते हैं तो उनका क्या होगा, क्योंकि आप ये अंदाजा लगाएं कि इस बार एनडीए ने उनकी पार्टी को मात्र एक सीट दी है जिससे वो संतुष्ट हो गए हैं। 2019 में 5 और 2014 के चुनाव में 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उपेंद्र कुशवाहा 2024 के चुनाव में सिर्फ एक लोकसभा सीट पर कैसे मान गए। ताज़ा हालातों के हिसाब से देखा जाए तो राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
उपेंद्र कुशवाहा ने अपना राजनीतिक सफर 1985 में शुरू किया था। लेक्चरर की नौकरी छोड़कर राजनीति में करियर बनाने का फैसला उन्होंने लिया। 1985 से 1988 तक युवा लोकदल के स्टेट सेक्रेटरी रहे, 88 से 93 तक युवा जनता दल के नेशनल सेक्रेटरी रहे, फिर 94 से 2002 तक समता पार्टी का हाथ थामा। साल 2000 था जब समता पार्टी के टिकट पर बिहार के वैशाली जिले से जंदाहा सीट से वो विधायक बनते हैं। 2002 से 2004 तक बिहार विधानसभा में पार्टी विधायक दल के उपनेता का भी पदभार संभालते हैं। इसके बाद साल 2004 से 2005 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता बनते हैं। जब समता पार्टी जेडीयू में बदली तो उनको पार्टी ने साल 2010 में राज्यसभा भेजने का फैसला लिया। राज्यसभा में कुशवाहा 2013 तक रहे। इसके बाद साल आता है 2014, उपेंद्र कुशवाहा ने इसी साल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बना ली और एनडीए में शामिल होकर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया और काराकाट सीट से चुनाव जीता भी। उसी साल कुशवाहा की पार्टी से दो और उम्मीदवार थे जो वो जीतकर संसद भवन तक पहुंचे थे। इसके बाद मोदी सरकार में उनको राज्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद दिसंबर 2018 में कुशवाहा ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और मोदी सरकार पर बिहार के संबंध में अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए एनडीए भी छोड़ दिया। साल 2019 में उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से काराकाट सीट से चुनाव लड़ा लेकिन वो हार गए। आरजेडी के साथ करीबियां बढ़ी लेकिन विधानसभा सीट बंटवारे पर बात नहीं बनी और बसपा एआईएमएम के साथ उन्होंने गठबंधन किया और खुद मुख्यमंत्री चेहरा बने। इनके गठबंधन को सीटें तो मिली लेकिन खुद खाली हाथ ही रहना पड़ा। इसके बाद 14 मार्च 2021 को उनकी पार्टी जेडीयू में शामिल वापस हो गई। अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय करते वक्त कुशवाहा ने इसे राज्य और देश हित में बताया था। फिर उसी साल कुशवाहा को राज्यपाल कोटे से एमएलसी बना दिया गया था। इसके बाद नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार कुशवाहा कर रहे थे। एक साल भी बीत गया और उपेंद्र कुशवाहा को झटका तब लगा जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन में जाना तय कर लिया। जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद साल 2023 में उपेंद्र कुशवाहा ने आरएलएम यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी का गठन किया। अब उपेंद्र कुशवाहा इसी पार्टी के साथ एनडीए में शामिल हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार भी एनडीए का दामन थाम चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा का आना जाना लगा रहा। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच रूठने मनाने का सिलसिला भी जो था वो चलता रहा। अब जेडीयू और आरएलएम दोनों ही पार्टी एनडीए का हिस्सा हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव में जीत हासिल करना बेहद अहम हो जाता है। पवन सिंह के मैदान में उतरने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को सबसे ज्यादा डैमेज हो सकता है। देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा का राजनीति में भविष्य कैसा रहता है। यहाँ पर आपको बता दें कि काराकाट सीट पर करीब 19 लाख वोटर्स हैं। यहाँ लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में यानी कि 1 जून को वोट डाले जाने हैं। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति में भविष्य और काराकाट सीट पर किसे जीत मिलने वाली है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए कीप वॉचिंग स्विच।